मैं पुष्कर के सभी पदाधिकारियों की ये विशेष बैठक यहाँ प्रधान कार्यालय में रखी गई। तरीके से जो टारगेट पुष्कर विधानसभा के लिए रखा गया कि 40,000 से अधिक वोटों से पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से भागीरथी को जीत अपने को तय करना है, उसको लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। मैं पुष्कर विधानसभा के प्रभारी संयोजक जितेंद्र सिंह जी नजरेला, हमारे पिथौरागढ़ के लोकप्रिय प्रधान भाई अशोक जी, हमारे पुष्कर नगर पालिका के लोकप्रिय चेयरमैन भाई कमल जी, हमारे पुष्कर विधानसभा के इस लोकसभा चुनाव के प्रति से प्रभारी भाई शक्ति सिंह जी और मेरे सामने बिराजे सभी मंडल के पुष्कर विधानसभा के जो प्रमुख कार्यकर्ता तो विधानसभा में निवास करते हैं। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव को हम और कैसे गति देवे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पुष्कर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिले, इसके लिए कल ही पुष्कर विधानसभा में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था। तो बूढ़ा पुष्कर मंडल अध्यक्ष अशोक जी सोनी से कि वो आए और हमारे चेयरमैन पुष्कर के कमल जी पाठक का दुपट्टा निवेदन करूंगा। कोड़ा गणेश मंडल अध्यक्ष महेंद्र जी से हमारे लोकप्रिय प्रधान अशोक सिंह जी रावत साहब, रूपनगढ़ मंडल अध्यक्ष ओझा जी से कि वो आए और पुष्कर विधानसभा प्रभारी शक्ति सिंह, मैं बोला राम जी गुजर मंडल अध्यक्ष सराधना दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। बूढ़ा पुष्कर मंडल अध्यक्ष अशोक जी सोनी से कि वो आए और हमारे चेयरमैन पुष्कर के कमल जी पाठक का दुपट्टा निवेदन करूंगा। कोड़ा गणेश मंडल अध्यक्ष महेंद्र जी से हमारे लोकप्रिय प्रधान अशोक सिंह जी रावत साहब, रूपनगढ़ मंडल अध्यक्ष ओझा जी से कि वो आए और पुष्कर विधानसभा प्रभारी शक्ति सिंह, मैं भोला राम जी गुजर मंडल अध्यक्ष सराधना दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। ये काम करना चाहते हैं तो जेत तो सबको बोलनी पड़ेगी ना, तो मेरा भाषण तब तक शुरू नहीं होगा जब तक सब लोग भारत माता की जय नहीं बोले। ठीक है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज पुष्कर विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक रखी। बैठक के अंदर हमारा लोकसभा के प्रत्याशी कि जीत सुनिश्चित हो उसके लिए हमने विस्तृत योजना बनाई और हमने बूथ वाइज सब लोगों को जिम्मेवारी देखे, ये निश्चित किया कि 29 तारीख को कमल के फूल के सामने ज़्यादा से ज़्यादा लोग बटन दबाए और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाए, इसकी रूपरेखा तय करने की आज बैठक। आज की बैठक में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष बीपी सारस्वत जी और सभी मंडलाध्यक्ष बूथ सेक्टर के अंदर प्रभारी सभी जिला पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।